इनपुट बॉक्स हम पढ़ेंगे आज। इनपुट बॉक्स के सारे जो चीजें हैं एक बार देख लीजिए। इनपुट बॉक्स का यूज क्यों होता है? कोई इनपुट लेने के लिए, जैसे आप ड्यूरिंग द माइक्रो, माइक्रो जब रन हो रहा है उस समय इनपुट अगर लेना चाहते हैं तो किस केसेस में इनपुट होता है? जैसे कि मान लीजिए आपने एक मंथली रिपोर्ट का एक बनाया हुआ है कि भाई मंथली हमारा रिपोर्ट बन जाए, एक बटन, मैं जी बटन पे क्लिक करूं और मंथली रिपोर्ट बन जाए। तो अगर आप जी सारे मंथ की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो इनपुट बॉक्स की जरूरत नहीं है, क्लिक कीजिए और सारा रिपोर्ट मंथ का रिपोर्ट बन गया। लेकिन एक पर्टिकुलर मंथ का रिपोर्ट बनाना है और 21 मंथ का रिपोर्ट बनाना है, डिपेंड करता है यूजर के ऊपर। यूजर जिस मंथ का प्रेफर करेगा उसी मंथ का होगा। तो आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि माइक्रो रन हो तो आप करें मंथ, मंथ डालें, उसके बाद वो आगे उसी हिसाब से रिपोर्ट को डिक्लेयर करें। तो इनपुट बॉक्स की जरूरत पड़ती है। और हमने कोर्स के स्टार्टिंग में ही जो मैंने आपको माइक्रोज रिकॉर्डिंग सिखाए थे उसमें भी हमने इसका जिक्र किया था। जी तो चलिए यहां भी इसके बारे में जानते हैं। जैसे यहां पे हम करते हैं, इनपुट बॉक्स का रिजल्ट सेव करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। और इनपुट बॉक्स में क्या है उसके हिसाब से वेरिएबल बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रिंग है तो डिम आर एज ए स्ट्रिंग हमें लेना पड़ेगा। अब यहां पे आर इक्वल टू हमने यहां पे लिखा इनपुट बॉक्स, राइट। अब इसमें इनपुट बॉक्स में देखिए कई सारे पार्ट है। पहला है प्रॉम्प्ट, मतलब कि जब इनपुट बॉक्स रन होगा तो उसमें मैसेज क्या लिखा होना चाहिए। तो जैसे मैं लिख दिया कि एंटर नेम, ठीक है। फिर दूसरा ठीक आता है टाइटल। देखिए हर किसी की टाइटल होता है, जैसे इसी के देखिए ऊपर में टाइटल दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक विजुअल बेसिक एप्लीकेशन बुक वन दिख रहा है टाइटल से। तो हर एक फाइल का, हर एक एप्लीकेशन का, हर एक पॉपअप का ऊपर एक टाइटल होता है। तो टाइटल क्या रखना है, टाइटल आप रख सकते हैं। तो इसमें देखिए प्रॉम्प्ट जो है वो नेसेसरी है, मतलब कंपल्सरी है, ठीक है। और टाइटल और बाकी चीजें क्या है, ये ऑप्शनल है, जरूरत है तो डालिए, अदरवाइज नहीं डालिए। टाइटल में मान लीजिए मैं डाल दिया नेम, ठीक है। फिर आता है डिफॉल्ट, मतलब कि जब वो ओपन हो तो उसमें पहले से क्या नाम लिखा हुआ है सर। वैसे मैंने लिख दिया यहां पे एंटर नेम हियर, राइट। फिलहाल मैं इतने को करता हूं, सॉरी इसको इन्वर्टर में लिखना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। ठीक, अब मैं इसको जब प्ले करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे नेम टाइटल आ गया, एंटर आ गया, एंटर नेम, और एंटर नेम हियर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ और सिलेक्टेड आपको यहाँ पर लगा। अब जो भी टाइप करेंगे यहाँ से टाइप कर सकते हैं। इसमें एक चीज और था, पोजीशन। पोजीशन दिख रहा है आपको सर, वाई पोज एक्स पोज। तो मान लीजिए मैंने दे दिया 500 और यहाँ पे मैंने दे दिया 1000। एक पोजीशन होता है कि जब पॉपअप होगा तो कहां पे होगा। देखिए यहां पे हुआ, अब देखिए 500 से इतना हटा, मुझे 1500, अगर मान लीजिए इसको 1500 कर दूं तो कितना हटेगा, 500 को मैं 1500 कर देता हूं, पिक्सल में होता है हटा। मैं अगर 5000 करूंगा तो क्या होगा, इसको एक को 5 कर देता हूं, नीचे आ गया। इस तरह से मैं इसको भी 5000 कर दूं, 5000 भाई 5000, तो यहां पे आया। तो कहां पे आपको शो करवाना है वो यहां पे डिपेंड करता है, क्लियर है। और जो भी टाइप होगी वो आर पे स्टोर। डाउट इसमें सर? अब इसलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि भाई ये जो डला हुआ है ना, बगैर नाम डाले हुए कोई इसको, बगैर नाम डाले हुए इनपुट बॉक्स को कैंसल ना कर सके, या जो डालना चाहते हो डालना चाहिए। तो यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट RR/1 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां पे दिया डिम अंटिल, मैं डिम नहीं, यहाँ पे डू अंटिल करता हूँ, अंटिल FN इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। यहाँ पे हम P, और यहाँ पे FN, FN इक्वल टू इनपुट
बॉक्स, अच्छा इनपुट होगी एम बॉक्स, और यहां पे हमने बोल दिया कि एंटर नहीं, बाकी चीज जरूरत है दीजिए अपने हिसाब से। मैं इसको प्ले करता हूं, सॉरी लूप लीजिए। अब जब मैं यहां कैंसिल करूंगा नहीं होगा, ओके करूंगा नहीं, ठीक है सर, जब तक कि मैं इसमें नाम ना टाइप, नाम टाइप कर दिया ओके हट गया। अच्छा इसमें किसी और भी होता है, अब हम आ गए हैं तो इसमें इसी और पढ़ा देते हैं, टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे हमने यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एफ एन, यहाँ पे एक काम करता हूँ एफ एन, हाँ डिम एफ एज ए स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहां करता हूं एफ इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहां पे सेलेक्ट इनपुट, डायरेक्ट इनपुट बॉक्स नहीं दे देंगे हम, यहां पे करेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, और इसके अंदर डालेंगे प्रॉम्प्ट प्लीज सेलेक्ट एरिया, डिफॉल्ट में सेलेक्ट दे देते हैं और इसमें टाइटल में, और डिफॉल्ट में हम करते हैं सेलेक्शन डॉट एड्रेस, ठीक है। लैपटॉप वही आपका है कि क्या दे सकते हो, इसमें एक कॉन्टेस्ट आईडी होता है, टाइप होता है, टाइप में मैंने दे दिया एट। अब मैं इसको रन करूंगा, अच्छा ये स्ट्रिंग पे नहीं आएगा, ये आएगा रेंज, यहां पे होगा सेट, ऑब्जेक्ट हुआ है अच्छा हाँ ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है सर, दिख रहा है सर, मैं एक बार वापस एंड करता हूँ और रन करता हूँ। जैसे मैं एक्सेल पे आऊंगा अपना, इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया, माय क्लोज माय आर आर टू को हम यहाँ से रन करते हैं, तो जो एरिया यहाँ पे सिलेक्टेड है उसका पाथ आ गया, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके वो पाथ आपका आर पे असाइन हो गया, आगे उसके जो करना चाहो कर सकते हो। इसका यूज ये भी कर सकते हो ना कि आपको ड्यूरिंग द मैक्रोज सिर्फ इनपुट ही नहीं, उससे उनसे इनपुट चाहिए, जैसे होता है कभी कभी हमारा पाथ चेंज हो जाता है, डेटा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप जो है मैक्रोज के अंदर ये ऑप्शन दे सकते हैं, भाई मैक्रो रन करने से पहले आप एरिया बता दो कौन सा एरिया कहाँ क्या, जो एरिया सिलेक्ट होगा वो उसी पे अपना मैक्रो वर्क करेगा, ओके ठीक है, ओके तो फलाना एक कॉलम मैंने अगर सिलेक्ट कर दिया तो कॉलम का भी एड्रेस आ जाएगा उसमें, कॉलम ए, कॉलम ए सिलेक्ट करना है तो वो भी आ जाएगा, जी जी ओके। अब बात होती है इसमें एट क्यों दिया, अब इसके लिए जो है ना सर जाना पड़ेगा इसमें बुक में, जो हमने बुक ओपन की थी, बुक ओपन इसमें है, सॉरी बुक ओपन की थी ना इसमें, तो यहाँ पे आपको इस बुक के अंदर में ये आपको पता चलेगा कि ये जो सीक्वेंस नंबर होते हैं, जो हम ए डालते हैं, कोड जो डालते हैं, टाइप जो डालते हैं, मतलब कि जो इनपुट बॉक्स एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स जो हम यूज करते हैं उसमें टाइप होता है, ये टाइप में अगर जीरो डालते हो तो फॉर्मूला होता है, वन डालते हो तो नंबर होता है, टू डालते हो तो स्ट्रिंग होता है, फोर डालते हो तो लॉजिकल वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स होता है, एट डालते हो तो सेल रेफरेंस रेंज ऑब्जेक्ट होता है, 16 एरर होता है और 64 एरे होता है, ठीक है जी। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है उसका यूज कर सकते हैं इनपुट बॉक्स, ठीक है, क्लियर है,
जी अब देखिए इनपुट बॉक्स में यहां पे दिख रहा हो ना सर, एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ को भी शो किया जा सकता है, ठीक है। ओके तो इस एग्जांपल को आप एक बार देखिए और इसको बनाइए, ठीक है सर।